सो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारे देश की सरकार अब हमारे व्हाट्सएप पे नजर रखेगी, यानी कि हम क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं क्या नहीं, तो उस सब पे जो है हमारे देश की सरकार की नजर रहेगी। और अगर हम कोई गलत मैसेज सेंड करते हैं तो हमें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक व्हाट्सएप पे वायरल हुआ मैसेज बोल रहा है जिसे काफी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। शायद आप में से काफी लोग होंगे जो कि जिन्होंने फॉरवर्ड किया होगा जाने अनजाने में। तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये सरासर फेक है। अब देखिए, दावा ये किया जा रहा है इस मैसेज के अंदर, जैसे कि यहां पर आप फोटो देख सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट जानते हैं व्हाट्सएप पे, कि यार अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया तो सिंगल ग्रे टिक आया, मतलब आपका मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। डबल ग्रे टिक आया, उसका मतलब है कि आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो चुका है सामने वाले यूजर को। और वो जो टिक है डबल टिक, वो अगर ब्लू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सामने वाले यूजर ने वो मैसेज पढ़ लिया है। अब यहां पर एक तीसरे टिक का दावा और किया जा रहा है, ब्लू टिक का, जिसका मतलब यह है कि जैसे ही वो तीसरा ब्लू टिक होता है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपका मैसेज पढ़ ले लिया है। मतलब सीरियसली, गवर्नमेंट के पास अब कोई काम नहीं है जो कि हमारे मैसेजेस पढ़ेगी एक एक, ठीक है। अब ये तो यहां तक तो चलो ठीक था, अब ये भी दावा किया जा रहा है कि जैसे ही वो ब्लू टिक जो है गवर्नमेंट ने पढ़ा है, वो अगर रेड हो जाता है, उसका मतलब ये है कि आप अब सही सलामत नहीं हो, आपको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस की तरफ से। तो यार देखो, इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है तो व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप और सामने वाले यूजर के अलावा कोई तीसरा आपकी चैट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको पढ़ नहीं सकता है, यहां तक कि खुद व्हाट्सएप भी आपकी चैट को नहीं पढ़ सकता है। हाँ, उनके पास इंक्रिप्टेड फॉर्मेट जरूर रहेगा, बट वो उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो यार गवर्नमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात व्हाट्सएप के स्पोक पर्सन ने यह खुद क्लियर कर दिया है कि ऐसी जो अफवाह है, ऐसे जो फेक मैसेजेस हैं, वो 2015 से चले आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने इस टाइप का मैसेज 2015 के अंदर देखा था लास्ट, यानी कि ये सबसे पहले। और अभी ये क्यों वायरल हुआ है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को वार्निंग दी है फेक मैसेजेस को लेकर। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर व्हाट्सएप की वजह से काफी लोगों की जान गई है, मोब अटैक्स की वजह से। यानी कि हम में से ही वो लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पे काफी सारे ऐसे फेक मैसेजेस वायरल करते हैं, भड़काऊ मैसेज भी हम वायरल कर देते हैं बिना सोचे समझे। हमें ये पता नहीं होता कि उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। क्योंकि केस सिंपल है, केस में ये हो रहा है कि एक मान लीजिए किसी बच्चे का किडनैप हो जाता है, किडनैप कर लिया उसको किसी ने, और फेक मैसेजेस में ये होता है कि यार हर किसी का फोटो उठाया और बता दिया, वायरल कर दिया व्हाट्सएप पे कि यार ये बंदा इस बंदे ने किडनैप किया होगा, इस बंदे ने किडनैप किया है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है, उसने मैसेज फॉरवर्ड किया, उसने सेंड किया, किसी के पास गया, उसने बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड किया, ऐसे करते करते वो कहां कहां तक फेल जाएगा। अब उनमें से किसी बंदे को वो बंदा मिल गया रास्ते में, तो मार देंगे उसे, पीट देंगे। तो यार ये चीजें इंडिया के अंदर काफी ज्यादा चल रही है, और इंडिया की वजह से ही, यानी कि इंडिया के लोगों की इस हरकत की वजह से व्हाट्सएप को काफी सारे चेंजेस करने पड़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और भी आगे वो काफी चेंजेस करने वाला है। जिसमें से सबसे बड़ा चेंज होगा वो ये होगा कि व्हाट्सएप में जो आपने देखा होगा फोटोज और वीडियोस के आगे क्विक शेयर का बटन होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक क्विक शेयर का बटन होता है, वो व्हाट्सएप हटाने वाला है। क्योंकि व्हाट्सएप के मुताबिक केवल भारत ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फोटोज और वीडियोज जो है वो वायरल होते हैं, और वायरल करता कौन है, हम लोग ही करते हैं बिना सोचे समझे। मतलब हमको लेना देना नहीं है, हमको ये नहीं जानना है कि यार वो वीडियो, उस वीडियो में जो बताया गया जो फैक्ट है या जो भी बात बताई गई है वो सच है या फिर नहीं, हम उसको वायरल कर देंगे। मैंने खुद ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, मैं खुद कभी नहीं करता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे मतलब ज्यादा से ज्यादा मैंने कभी किया होगा तो केवल कोई जोक किया होगा, बाकी मैं ऐसे जो भड़काऊ वीडियोस होते हैं, भड़काऊ ऑडियो होती है, वो मैं कभी आगे वायरल नहीं करता, और जो मेरे सामने करता है मैं उसको भी मना करता हूं, और जो मुझे भेजता है तो मैं तो उसको ब्लॉक ही कर देता हूं। मैंने ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं मेरे खुद के सामने, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई है, नहीं पता चलता उनको कर देते हैं आगे। तो सीरियसली हमें सोचने की जरूरत है कि हम ऐसे फेक मैसेजेस, फेक न्यूज के झांसे में ना आए,
कि यार कहीं को किसी पोस्ट के अंदर लिखा है, किसी मैसेज के अंदर लिखा है कि हमको ये आईफोन मिल जाएगा, हमको ये फलाना फलाना फोन मिल जाएगा फ्री के अंदर, आपको इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है। हालांकि व्हाट्सएप में काफी सारी जो है काफी सारे चेंजेस किए हैं, करने वाली है, जो चेंजेस कर लिए हैं उसको मैं लिस्ट बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस व्हाट्सएप ने कर लिए हैं और आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन से चेंजेस व्हाट्सएप करने वाला है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कर दिया है व्हाट्सएप को कि आप कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में फेर बदल कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फेक मैसेजेस को रोक सकें। बट मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। ये लोगों की मेंटेलिटी पे होता है कि यार हमें हमें समझने की जरूरत है कि यार हम किसी मैसेज को सोच समझ के ही आगे फॉरवर्ड करें, अगर मालूम नहीं चल रहा है कि ये सही है या फिर गलत तो यार दो तीन बंदों से राय ले, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव से, तो आपको थोड़ी बहुत तो बातें क्लियर होगी। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स को, ताकि उनको भी ये बातें क्लियर हो सके, वो समझ सके कि हम जो कर रहे हैं वो कितना गलत है कितना सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। दोस्तों मैं गौरव को मिलता हूँ अगले और ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।